लोगों की तालियां और इनका म्यूजिक क्या बात है मेरा मूड सेट ही हो जाता है एक दफा फिर आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया और कहना चाहूंगा वेलकम टू हाथ कर दी विद मॉम इन वैसे तो शो आपको अच्छा लग रहा है ये मुझे पता है लेकिन इंसान फिर भी ना जिंदगी में बोर हो जाता है हो जाता है इंसान मतलब वही रूटीन वही काम वही लोग और फिर जिंदगी में एक्साइटमेंट बरकरार रखने के लिए इंसान एडवेंचर करता है अब एडवेंचर की डेफिनेशन हर बंदे के लिए अलग है बेला जी तो आस्ते एडवेंचर कुछ होर होएगा मेरे आस्ते एडवेंचर कुछ होर होएगा लेकिन ये इंसानी नेचर में एडवेंचर होता है थ्रिल सारी दुनिया में लोग अलग अलग तरह के एडवेंचर करते हैं कोई स्काई डाइविंग करता है कोई डीप सी डाइविंग करता है कोई मेरी तरह शो होस्ट करता है तो गाय जब पाकिस्तान यदि होती है तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर शादी होता है है कि नहीं किस तरह यार ये हमारे यहाँ शादी का एडवेंचर एट क्लास से शुरू हो जाता है पहले वो शादी के लिए पढ़ता है हमारा बच्चा फिर शादी के लिए नौकरी करता है फिर नौकरी करके शादी करता है, है? और फिर सारी उम्र पढ़ता रहता है क्योंकि बीवी उसको रोज कहती है तुम्हें कुछ नहीं पता मैं तुम्हें समझाती हूँ फिर यही एडवेंचर चलता रहता है अरे एडवेंचर वखरे ने मतलब इन बार जो सा मोटरवे चलान ना हो जाए एडवेंचर नहीं पूरा होता बेतुके चलान करवा लो ओवर स्पीडिंग कर लो है हमारे यहाँ एडवेंचर क्या है चल दे ट्राले चो गन्ना चुक लिता नहीं अस, बाकी, मेरा एक बार बेली गंदा यार, तेरे बड़ा की मैं बड़ा एडवेंचर किया नोट चलाया इसमें क्या क्या इसमें क्या एडवेंचर है मेरी जान असल एडवेंचर असल एडवेंचर की समझ तभी आपको आती जब पुलिस वाला कहता है तेन मैं दसना तू किता की कैसे कैसे एडवेंचर किए लोगों ने दुनिया में अरे ऐसे ऐसे एडवेंचर भी किए जिससे जिंदगी लोगों की ज़िंदगी बेहतर हुई है ये दुनिया एक बेहतर जगह बनी है इंटरनेट की ईजाद एक एडवेंचर था थॉमस एडिसन का लाइट बल्ब मोमेंट एक एडवेंचर था भाई वो पूरी दुनिया चेंज कर दी उसने हमारी डिपेंडेंसी और नेचुरल लाइट खत्म हो गई तो इस तरह के एडवेंचर करो जिनसे आपकी ज़िंदगी और दुनिया भी बेहतरी की तरफ जाए बाकी अपने मज़े के लिए तो एडवेंचर लोग करते ही रहते हैं हम अपने शो को आज एडवेंचरस बनाएंगे उसके लिए हम अपने मेहमान को बुलाएंगे आज मुझे बहुत नफासत से बोलना पड़ेगा बड़े नफीस अंदाज में होगी ये गुफ्तु क्योंकि आज हमारे शो में वो अदाकारा आ रही हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी खूबसूरती और अपने काम से सबको हैरान किया हुआ है बल्कि सियासत में दिलचस्पी रखती हैं और करंट अफेयर्स पर अपनी राय भी देती हैं ठीक है आपकी सबकी भरपूर तालियों में बुलाना चाहूंगा मेरी बहुत अच्छी दोस्त दिल की बहुत ही अच्छी बहुत ही टैलेंटेड नफी ए!

बहुत अच्छा कहाँ से ट्रेवल करके आ रही है आ, कराची से <laughs> <laughs> कराची कराची में ज़्यादा गर्मी है इस वक़्त लाहौर में दोनों ही जगह बहुत गर्मी है उफ़ तो अब इस गर्मी का क्या करें दरख्त लगाएं दरख्त लगाएं हाँ ताकि ठंडी हवा हमें मिले exactly <laughs> absolute pleasure to have you on the show मरियम माशाल्लाह जब मेरे अपने दोस्त आते हैं ना तो क्या वो फीलिंग होती है कंटेंटमेंट लेवल्स होते हैं मैं बता नहीं सकता कुछ होंगे सवाल कुछ होंगी गेम्स अपने सवाल शुरू करने से पहले पूछना चाहूँगा कौन है मरियम कौन है मरियम मरियम इज जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल गर्ल जो जो बहुत <laughs> <laughs> ज्यादा सेंसिटिव uh, है uh, जिसको खुश रहना बहुत पसंद है अपने आसपास के लोगों को खुश करना बहुत पसंद है एंड हु टू

जब वो एग्जाम मुन्ना भाई का कोई और देने जाता है मरियम भी इस तरह एग्जाम देती थी वो कैरम बोर्ड इंडिया की इतनी हिट मूवी का जो है वो मैंने सुना है मेरे कुछ लोगों ने बताया वो इनकी तरफ पड़ा हुआ है मरियम ये क्या सीन है नहीं झूठ नहीं मरियम ये घर अभी समझो तुम रिलैक्स इवनिंग अपने दोस्तों के साथ ये भी दोस्त है मैं भी क्या इतने लाखों लोग देख के आज बता दो यार मेरे शो पे तो बता दो मुझे ओके okay. uh, वो कैरम बोर्ड uh, हमारे पास ऑलमोस्ट आ, आ गया था बट वी रिटर्न लाहौर शहर में आ गया था आप लोग आ गया था कराची आ गया था तो फिर रिटर्न क्यों कर दिया बिकॉज Because... किसी को घर पे खेलना नहीं आता <laughs>

कि हमारे ज़राए जो न्यूज चैनल्स में कहते हैं उन्होंने हमें बताया कि जो इनके घर के इलेक्ट्रिशन हैं जो बत्ती के मामला ठीक करते हैं एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू जो मैंने सुना है, वो सलमान खान की यूज शर्ट्स पहनते हैं जो सलमान खान ने पहनी ये क्या सीन क्या है बॉलीवुड के प्रोड्यूसर बन चुके हैं नहीं आ, वो आ, हाँ नाम यश तो नहीं, नहीं। नफीस प्रोडक्शन वो बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनता है। बहुत मुझे बहुत सोर्स है कि आपके घर के इलेक्ट्रिशियन को आपने सलमान खान की जूसर किया मैंने, आ, मैंने आ, नहीं नहीं मन, नहीं, की? मुझे कि सलमान खान की शर्ट है उसमें ऑथेंटिसिटी है हकीकत है बताना चाहेंगी क्यों वो नहीं वो काफी इधर उधर रहता रहा है ना तो उसके पास जो है वो और वो इन के पास काम करता था apparently. पहले सलमान था डिटेल कैन नॉट गो इन डिटेल्स का मतलब आप समझते हैं क्या होता है तो हम इस बात को यहीं पे दबा दे तो अच्छा है बात को आगे बढ़ाते हैं शुएब मलिक और आजम खान की बहुत अच्छी दोस्त है तो ऑफ कोर्स हमारे मुल्क के सितारे हैं शुएब मलिक कितने सालों से खेलते आ रहे हैं आप मेरे बड़े मेरे बड़े भी, आ भी आ अपने बचपन में उनको देख रहे थे मेरे बड़े अब चले गए <laughs> लेकिन शुएब भाई माशाल्लाह अभी भी इधर ही है और आजम तो माशाल्लाह देख रहे हैं पीएसएल में खटच खटच खटचा आजम ने क्या चक्के मारे टीम से ड्रॉप आउट होने पे ज्यादा खफा कौन होता है हां ये बहुत अच्छी बात पूछी दोनों ही नहीं अरे

बस कभी कभी अच्छा होगा ना कि कोई बस ना देखे मैं कहीं भी भी चली जाऊँ किसी कोबत <laughs> खत्म <laughs> पानी पानी, <laughs> करना चाहती हूँ पाकिस्तान में से वो किस सुपर पावर से होगी पता नहीं शायद मैं नोट छापने की मशीन लगा वो तो हूँ ईद के नोटों की

When I married Aman, I knew his moral compass is right. Uh, in the you know, it's very straight. So that's why it's a lot. It's amazing working with him because um, our fundamental values are very co-aligned. And Aman, bhai, he I know him. I've I've met him so many times in Pakistan. And very hospitable, also. know,

So, like, ये दो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टिंग किस्म की स्टेटमेंट्स हैं बट आई डेंट वॉन्ट टू गेट मैरिड बिकॉज मुझे मेरी मर्जी का वेव लेंथ वाला इंसान चाहिए था कैसे ढूंढे हैं अगर अपनी मर्जी और अपनी वेव लेंथ वाला इंसान कैसे मुझे गाइड करो मैं कैसे ढूंढूँ मिल जाएगा तुम्हारा वाला बहुत मुश्किल है

आपके फैंस हैं आपसे बातें करना चाहते हैं लेकिन उससे पहले ना देखो हमारे हाँ। हाँ पे लाइव रोटी भी चलेगी फ्रूट्स of course, of course. मोमिन का सेट फ्रूट वाली, वाली साथी है। आप इसको तरबूज के साथ खाएं आप इसको खाएं काले नमक को आप और किस चीज के साथ खा सकते सबसे पहले तो लाल राल तरबूज फ्रेश ठंडा इसको मैं प्रोनाउंस करने में मुश्किल होती मुझे। वा। <laughs> वा। जी। अस्सलाम क्या नाम है आपका बिस्मा आमिर बिस्मा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक आप कैसे हैं अल्लाह का कर्म क्या करती हैं आप मैं डॉक्टर हूँ किंगेड मेडिकल सुनो एक मिनट यही से बात करो तालिया <laughs> तो किस की डॉक्टर है आई एम अर्थ सेंटर स्थेटिस्ट क्या और थर्टी सेंटर स्थेटिस्ट मुझे कुछ नहीं पता हड्डियों <laughs> की डॉक्टर हड्डियों हड़ी की क्वेश्चन मेरा ये मैम आपसे कि आपने बताया कि आपकी अम्मी काफी आपको फोर्स करती थी शादी के लिए लेकिन आपने उनको मना किया तो काइंडली टिप्स दे दें दे जो अपनी अम्मी को मना करने की जो आप अम्मी को मना करती थी क्योंकि मुझे भी अम्मी को मना मना करने करती के लिए क्या तुम ग्रेजुएट हो गई और जॉब कर ली अब शादी करो शादी करो आप को पता है कि जो लड़का रेकमेंड करे ना नहीं हेल्थ वाइज ठीक नहीं <laughs> बड़ी कमजोर है खुद भी वर्किंग वुमन

अगला सवाल इनको माइक दे हेलो हेलो एंड मरियम हाउ हाउ आर आर यू यू आई आई एम एम गुड गुड आपका नाम क्या है है हेलो अरे कि मरियम 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 मेरा मेरा यही यही क्वेश्चन से ये को बचपन से ही इस एक्टिंग के फिल्म में जाने का शौक था कि बाद में यू इसलिए मैं थिएटर करती थी थिएटर प्रोडक्शन्स okay. और वहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूसर्स uh, आते हैं डायरेक्टर्स आते हैं तो उन्होंने मुझे चलते फिरते देखा था एंड देन सेट दे के आप uh, आके ऑडिशन दे दें हमारे पास एक आपकी एक एक्टर है सो so, मैंने ऐसे एक्सप्लोर करने का तो बहुत शौक है ना कि अच्छा और क्या हो सकता है और क्या है तो दैट्स वन आई वेंट फॉर द ऑडिशन नहीं एक्चुअली मैंने ऑडिशन नहीं दिया था मैं डायरेक्ट सेट पर गई थी बिकॉज उनको एक लड़की का कैरेक्टर करवाना था दै वॉज विथ सजल छोटा सा पार्ट था दो घंटे की शूटिंग थी आई डिड दैट उसके बाद मुझे ड्रामे मिलते रहे अल्लाह का शुक्र है अभी भी मिलते हैं बट बहुत ज़्यादा ये वाला काम करने की टेंडेंसी नहीं है अगर आप एक्टर ना होती तो इस टाइम पे आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर होती मैं वही चीज़ें कर रही होती जो मैं अभी भी कर रही हूँ uh, मैं प्रोडक्शन कर रही होती और मैं चैरिटी वर्क कर रही होती एज ए ियल बिजनेस ये मनी 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 तो तालियां <laughs> मुझे इनके बारे में ये पता है जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि सड़क पे अगर कोई गंदगी फैला रहा हो या कोई चीज फेंक दे तो उनको बहुत बुरा लगता है तो पहले तो ये बताएं कभी किसी से झगड़ा हुआ है इस बात पे क्योंकि मैंने सुना आप गुस्सा हो जाती है, हाँ, है? बहुत क्या, जैसे कि जारी और फेंके okay, so हम, जा रहे थे। वैसे तो बायोडिग्रेडेबल होता है कीनू का छिलका बट गुस्सा चढ़ गया सो आई टोल्ड हिम कि आप किस लिए यू नो you know, गंदगी करे क्योंकि आपको पता है खैर उनको पता भी नहीं होगा बायोडिग्रेडेबल है लेकिन आपको देख के लोग और इनकरेज होंगे ना कि अच्छा चलो हाँ हम

इस्लाबाद नहीं है उसके पीछे गार्ड्स बैठे हुए हैं उसके पास गन्स हो सकती है यू आर नॉट डूइंग दिस नहीं उस वक्त भी मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा था बिकॉज मैं उस उस एनवायरनमेंट की भी अभी आदि नहीं थी ना कि अच्छा ये लड़ाइयां कहीं भी जा सकती हैं मैं तो आराम से बोलने जाई थी कि आप ये मत करें बट ये अनफॉर्चूनेटली बहुत होता है तो फॉर एग्जांपल अगर सड़क पे तुम जा रही हो और साथ में से कचरा नीचे हां तो मैं गाड़ी तुम्हारे आगे ले जाऊंगी और हॉक में हाथ रखूंगी क्या ऐसा <laughs> भी हुआ है कि अगर मेरी गाड़ी में मेरे दोस्तों ने बैठ के कोई रैपर शैपर तो गाड़ी से उतार दिया नहीं तो मैं गाड़ी वापस मोड़ के लेके जाती हूँ उसको वहीं खड़ा करके बोलती हूँ उठाओ इससे पहले कि हम मूड और अपना सेट कर ले लिपसिंग बैटल की तरफ चलते हैं जहां पे लगेंगे मजे मजेदार गाने और आप देखेंगे किस तरह मैं गुनगुनाऊंगा एंजॉय करूंगा और मरियम भी तो सेट लगाए थैंक यू

घर पे हैं, ऑफिस पे हैं, जहां भी हैं हमारा शो देख रहे हैं इसको इसी तरह एंजॉय करते रहे इस तरह जाकर इस तरह आ जाएंगे कहीं मत जाइएगा कीप पॉचिंग हाथ कर दी वोमेंट साके वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन हाथ कर दी मैं आप लोगों को एक दफा फिर से वेलकम करता हूं और बातें करते हैं मरियम से

जी तो अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है दोस्ती प्रोफाइल मरियम के कुछ दोस्तों का नाम स्क्रीन पर आएंगे और ये कंप्लीट करेंगे उनकी ऑनलाइन दोस्ती प्रोफाइल लेट्स गो hmm, हमारा अपना आजम मेरा नाम आजम खान है पर टीम में सारे मुझे एके बुलाते हैं एके क्या एके। मतलब आजम खान ओके okay. ग्राउंड में सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब मैं उसको ग्राउंड में देखा नहीं है बट आई एम गेसिंग जब उसका फ्लो चेंज करते हैं बैटिंग फ्लो बैटिंग तब वो गुस्से में चला तब उसको आता है क्योंकि का वो होता है ये और अमान बात थे दो तीन दिन पहले कि इस बात पे थोड़ा वो अनोय हो जाता है यार बस करें वर्ल्ड क्लास प्लेयर है इतना बड़ा फिक्स करें उनके पीछे करना छोड़ो आगे चलो जी एक चीज जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता वो है खाना <laughs> मैं खाने के बगैर नहीं रह सकता ही इज अ फूडी अच्छा प्रैक्टिस के मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं हमारा लड़का आजकल 3 दिन एक थ्राइस अ डे प्रैक्टिस कर रहा है सो ही इज माय शावर्स भी ले रहा है ही इज इज वेरी पंचुअल दैट क्रिकेट के अलावा मेरा एक ही शौक है और वो है एक शौक नहीं है एक तो इसके बहुत शौक हैं और आई थिंक ही लव्स टू हैव ही लव्स टू कलेक्ट स्नीकर्स Hmm. That's the bonding factor between him and Aman also. आपने को गिफ्ट किया उसको? नहीं इसने मुझसे एक मंगवाया था लेकिन मुझे इसका पैर का साइज नहीं मिल रहा था यूएस से सो आई कूडेंट गेट हिम दैट बट मैं इसको लेके दूंगी वो वाला जूता बट ही इज ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज क्लोथ्स एंड हिज शूज बट शूज मेजर अच्छा ले. मैं कहना ही भूल गया एक बात कि वो जब उसके लिए लोगी तो मेरे लिए हाँ ठीक है मैं तुम्हारे लिए मैं डैश शेयर करना पसंद नहीं करता और क्या मैं डैश शेयर करना पसंद नहीं करता मैं नहीं यार बहुत ये जेनरेस लड़का है क्या शेयर करना नहीं पसंद करता होगा ये ऐसी कोई चीज नहीं है सब शेयर कर लेगा हां सब कुछ शेयर कर लेता सब। है सब मतलब ऑफ कोर्स अपनी गर्लफ्रेंड ही शेयर करना चाहेगा आई एम गेसिंग गर्लफ्रेंड है उसकी अभी तो नहीं है पक्का हम ढूंढ रहे हैं लड़की अच्छा तो आजम के लिए लड़की ढूंढी जा रही है अगर आपके बायडबे को हो तो कॉल करें 093

नेक्स्ट में कितना प्यारा लग रहा है पहाड़ों में नतिया गली पे खड़ा हुआ है पता नहीं कहीं यूएस में ही ना हो अपने किया बना दिया <laughs> मुझे लग रहा है ये इस्लामाबाद है मार्गला हिल्स लग रहे हैं नहीं नहीं इस्लामाबाद तो बिल्कुल भी नहीं है मुझे लगता है इस्लामाबाद है बेटा मैं अभी पूछ के बताता हूं डन नेक्स्ट में आई जी कौन है माशाल्लाह तबेश आशमी

Interesting, humorous, of course. Of course. Jugadbaz, I would say. Uh, very talented. Masha Allah. And uh, third would be genuine. Of course. And. Very genuine. आपने इतना time गुजारा ताबिश भाई के साथ तो आपसे बेहतर कौन जान सकता आ, है? आह वो कितना time मैंने गुजारा वैसे। And I'm sure you had so much fun. I did have a lot of fun, but yeah. <laughs> <laughs> कमजोरी क्या है ताबिश भाई की? Juice. कौन सा? He loves his juice. कौन सा? कुछ भी चल जाए जूस होना चाहिए रोज उस बंदे को सेट पे जूस चाहिए भाई हमारे शो पे जब ताबिश भाई आएंगे तो फ्रूट नहीं जूस <laughs> जूस, जूस, जूस फ्रेश जूस ही <laughs> की तरफ से, सारी अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है तोले बगैर बोलो मैं कुछ बोलूंगा और मरियम बिना सोचे तोले बगैर उस पर अपना पर्सपेक्टिव देगी हां या ना या फिर जो भी उनको सही लगता है नाम भी दे सकती हूं कैसे होगा हूँ या ना या फिर जो भी आपको लगता है मैं आइटम सॉन्ग्स कभी नहीं करूंगी नेवर से एंडेवर नेवर से एंडेवर मुझे कहीं भी जाने के लिए अमान से इजाजत नहीं लेनी पड़ती ट्रू ओके okay. मुझे एक्टिंग से ज्यादा सियासत पसंद है नहीं, <laughs> नहीं। मैंने अपनी उम्र के लिहाज से ज्यादा नाम कमा लिया उम्र के लिहाज से ज्यादा काम बना लिया नाम नाम कमा लिया पता नहीं आई डोंट नो मे बी यस मोहब्बत छोड़ दी मैंने मेरा फेवरेट ड्रामा था नहीं

अच्छा वो क्योंकि मैं उसमें उनके साथ था शाजिया बहुत अच्छी प्रोड्यूसर है शाजिया जी तो क्या बात है जो यू अपने एक्टर्स का ख्याल रखें इन टर्म्स ऑफ उनके लिए गर्मी में चिलर्स का बंदोबस्त करे हमारे सेट पे कितने मजे-मजे के खाने आते थे देयर वाज अ पार्टी सेट हाँ लेकिन आप, आप उनके इतना... सेट पे डाइट कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि खाना अच्छा आता है एग्जैक्टली

कौन है वो और वो चलवाते भी हैं कौन है वो नहीं ये तो मैं बता आपके no way, really? तो आज मरीम ने बताया कि कुछ अपने हैं और हैं। करते हैं बट हाँ लिस्टर्स भी करते हैं ये। मैं अपने, से अपने पेट्स पर खर्च देती हूँ अल्लाह की कसम यार ये तो मतलब एक ऐसा खर्चा है कभी किसी दोस्त ने कहा काश मैं तेरा सब कहते हैं सब कहते हैं लाइक कोको को के, शैंपू, मेरे शैंपू के है, <laughs> <laughs> <कैसी> है? <laughs> <थीक> है। <laughs> पिक्चर्स नहीं आजकल कोको के अपलोड कर रही है ठीक okay. है और मैं मुझे लगता है कि मैं जब उस बिचारी की तस्वीर लगाती थी ना वो बीमार हो जाती थी नजर लग जाती थी कोको इसलिए मैंने बहुत कम करें कोको की तबीयत ठीक रहे मजे मजे की बातें मरियम के साथ होती रहेंगी आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि शो भी बाकी है तो जाओ चाय कॉफी पीनी है पानी पीना पियो बाथरूम से होकर होकराना होमेंट आओ करो शो शुरू कर रहे यार, हो गए हो अच्छा मरियम चलते हैं पिक्चर सेगमेंट की तरफ लगा इनकी पिक्चर्स लेट्स को, लेट्स गो हैव अ लुक ओ माशा जब कराची की गर्मी से भागकर आप पहाड़ों में निकल जाए हाल गई था और अब स्नो शावर ले exactly. no, is, is नथिया गली एंड uh, हम सब ने एक फ्रेंड्स ट्रिप किया था और हम नथिया गली गए थे क्योंकि बर्फ पड़ रही थी और हमने ट्रेल हम हमारी यहाँ गाड़ी भी फंस गई थी और खाई के नीचे जाने वाली थी वो स्किट कर रही होती है ना गाड़ी सो प्लीज बी सेफ व्हेन यू गो टू मरी और एनी ऑफ दीज प्लेसेस जहाँ पे आपको पता है हमारे प्रिकॉशनरी मेजर्स इतने ज्यादा हैं नहीं बट बहुत मजा आता है ना अगली पिक्चर देखेंगे माशाल्लाह जब लिफ्ट ना चल रही हो और छह सात अपना अपना वो फ्लोर्स के बाद बंदा बिल्कुल थक जाए और कहे मैं इधर ही कर लूं ग्यारह फ्लोर पे रहती हूँ और जिस दिन लिफ्ट बंद हो जाए ना मेंटेनेंस के लिए उस दिन मैं घर नहीं जाती <laughs> ग्यारह फ्लोर कौन चढ़े ये क्या था यार ये हम एक्सपो में थे और इस दिन मैं और अमान साथ गए हुए थे और हमने फोर्टी फाइव थाउजेंड स्टेप्स किए थे उस दिन मतलब बस हो गई थी

एक ऐसी ऑप्शन आपके पास ये ये क्या <laughs> थी। भाग रही थी किसी से हम यूनिवर्सिटी में ही आ, शूट कर रहे थे और और पे one of those girls जिसको कभी वो मौका नहीं मिला कि जैसे चढ़ती हैं ना उनका हमारे ट्री हाउस जो बचपन में थे उसमें भी लैडर लगी हुई थी hmm. so I wanted to experience it और जब मैं चढ़ गई अरे वहाँ इसमें सूखा पज्जा आपको भी यही मिला मैंने कहा अच्छी बात है ना ज्यादा हरियाली कराची का है कितनी हरियाली होगी कराची का है सुन लिया अगली पिक्चर दिखाओ <laughs> कितने कितने कलर्स हैं इस बैकग्राउंड में जल्दी अब बस अब नहीं देखना मरियम बस बारह पंद्रह दो होंगे मरियम आर यू सीरियस एक दो तीन चार हाँ, पाँच रेपिटेशन हो रही है नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस नहीं है तो फिर बारह पंद्रह ही हो इसी तरह दुआ करते हैं मरियम हस्ती खेलती रहे कितनी टैलेंटेड है मैंने आपको शो के स्टार्ट पे बताया एक एक्टर एक है एक प्रोड्यूसर भी है एक बहुत अच्छी दोस्त भी है एक बहुत अच्छी बीवी भी, भी, भी है और इसका टैलेंट आपको खुद नहीं पता अभी कितना टैलेंट और अभी तो इसका जर्नी शुरू हुआ है हमारी दुआ अल्लाह ताला इसको बहुत तरक्की दे और इसी के साथ जहां आपको लग रहा होगा कि हद कर दी का एंड हो गया क्योंकि आप हंसे होंगे उम्मीद करते हैं आपने स्माइल किया होगा एंजॉय भी किया होगा लेकिन शो का एंड तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अपने आखिरी सेगमेंट पर ना चले जिसका नाम है गौर करो हम हमेशा पूछते हैं कि रियासत ने इस मुल्क ने हमारे लिए क्या किया आज मैं चाहूँगा कि हम गौर करें इस बात पर कि हम इस मुल्क के लिए और अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं मैं चाहूँगा कि हम ग़ौर फरमाएँ इस बात पर कि हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक दूसरे की किस तरह मदद कर सकते हैं और एज़ ए सोसाइटी अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टीचर हैं और एक स्कूल में पढ़ाते हैं आप किस तरह अपने इर्द गिर्द उन बच्चों को जिनके पास एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है उनको पढ़ा सकते हैं या लेट से अगर आप एक लॉयर हैं आप उन लोगों को किस तरह लीगल एड दे सकते हैं जिनको लीगल एड की ज़रूरत है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है या फिर आपके इर्द गिर्द अगर सड़क पर गंदगी है बनस्बत के हम ये कहें कि रियासत का ये इदारा काम नहीं कर रहा वो इदारा काम नहीं कर रहा सवाल किए बगैर हम अपनी कैपेसिटी में स्टेप उठाएं अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए इसका ये मतलब नहीं है कि इन इदारों को अपना काम नहीं करना उन्होंने करना है लेकिन मैं चाहता हूँ अब हम ओनरशिप लेना शुरू कर दें इस मुल्क की अपने लोगों की और अपने मुल्क की तरक्की की थैंक यू मरियम इंडिविजुअल चेंज हमारी माशरे के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे घर में जितनी बेटियाँ हैं उनको आप पढ़ने के लिए कितना इंक्रेज करते हैं उनको इक्वालिटी कितना देना आप ज़रूरी समझते हैं आपके मोहल्ले में जैसे कि मोमिन ने कहा जो भी गंदगी है बाहर आप सड़क पे जाते हैं आपके शहर में आप उसको उठाने के लिए क्या करते हैं उसकी साफ़ सफ़ाई के लिए क्या करते हैं आप रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ खाना बचता है क्या आप वो बचा हुआ खाना घर लेकर आते हैं या वो आप बचा हुआ खाना किसी को दे देते हैं जिसने शायद दो दिन से खाना नहीं खाया और अगर आपको कोई भी ना मिले जिसको आप वो खाना दे सकें तो आपके मोहल्ले में भूखे कुत्ते बिल्ली हैं आप उनको वो खाना दे सकते हैं इंडिविजुअल चेंज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चेंज बिगिंस एट होम विद इन योर फैमिली विद इन योर फ्रेंड्स डू लिटिल बट डू गुड थैंक यू वेरी मच इस बात पर गौर फरमाएं और मिलते हैं आपसे हदकर एपिसोड में शुक्रिया